हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एंड व्लॉगिंग बाय हिनू। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ ये हानाबिशी एयर फ्रायर की वीडियो है। हम इसको अनबॉक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने इसको बाय किया है और आपको रिव्यू के लिए आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। इसके फीचर्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, सामने बताए हुए हैं कि इसकी कैपेसिटी 3.2 लीटर है और मिनिमम इसका जो टाइमिंग सेटिंग है वो 1 से 30 मिनट का कुकिंग टाइम है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम ऑयल के साथ कई चीज़ों को फ्राई करते हैं घर पर और उसको खाते हैं, लेकिन इस एयर फ्रायर का ये फ़ायदा है कि बहुत ही कम ऑयल के साथ हम किसी भी चीज़ को आराम से बना सकते हैं और जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से हमें प्रॉब्लम्स ही होती हैं और इसकी हेल्प से हम कम तेल से काफ़ी चीज़ों को बना सकते हैं। ये इसकी मैनुअल बुकलेट है जिसमें इसके सारे फीचर्स के बारे में बताया गया है। आप आसानी से इसको पढ़कर इसकी सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो। इसका टेम्परेचर कितना रखना है, टाइमिंग कितनी सेट करनी है या किस तरह से इसको यूज़ करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी हुई हैं। इसके साथ ये वारंटी कार्ड मिला है जो कि 1 साल के लिए है। ये लगभग सभी प्रोडक्ट्स के साथ मिलता है, तो इसके साथ भी मिला है। तो चलें इसको निकालते हैं। इसका कलर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये हैवी भी है। फ्रेंड्स, इसके थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये ऊपर टाइम सेट करने के लिए बटन दिया हुआ है और नीचे टेम्परेचर सेट करने के लिए ये बटन है, और सबसे नीचे ये फ्रायर दिया हुआ है जिसमें हम कोई भी चीज़ को फ्राई करेंगे। कैपेसिटी इसकी ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये यहाँ पर पुश बटन दिया हुआ है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं, और नीचे ये पैन दिया हुआ है जो कि अगर इसमें कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत ऑयल या कुछ भी गिरता है तो इसमें गिरेगा। तो इसमें हम कोई भी चीज़ जैसे पकौड़े या समोसे कह लो या गोलगप्पे कह लो, किसी भी चीज़ को हम थोड़े से ऑयल के साथ फ्राई कर सकते हैं और हेल्दी भी होगा। इसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी बच्चों के लिए आसानी से बन जाएंगे, और बटन को यूज़ करने के बाद हम इस तरह से इसका कैप ऊपर कर देंगे ताकि ये दोबारा से प्रेस ना हो और खुले ना, और बड़ी आसानी से ये इस तरह से बंद भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट नॉर्मल टेम्परेचर सेट हो जाता है, नॉर्मल सा टाइम लगता है और इसमें आसानी से हम कोई भी चीज़ को फ्राई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इसकी कॉर्ड इसके साथ दी गई है जो काफ़ी लंबी है, आसानी से हम इसको कहीं भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और इसको यूज़ करना अच्छा साबित होगा। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि किस तरह का लगा है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।